हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गोरन। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ मैं, वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई, फाइलेरियासिस वॉर्म जिसे बोलते हैं। देखो, मेरे चैनल पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों में समझाऊंगा। दूसरी चीज़, मेरे चैनल की खासियत है कि आपको सारे सब्जेक्ट, आप मेडिकल के किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, BMLT, DMLT, नर्सिंग से हो, फार्मेसी हो, फिजियोथेरेपी से हो, BHMS, BAMS, एक्सरे, डायलिसिस, OT है, किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, सारे टॉपिक्स से रिलेटेड, आपके सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। एक बार आप चैनल जाके विजिट करो, फिर आपको समझ में आएगा। वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई पूरा समझाऊंगा, मेरी गारंटी है, एक बार मेरा प्रॉमिस है। ये 20 मिनट आप मुझे आपके दे दो, मैं आपको इस 20 मिनट में आपका टॉपिक क्लियर करके दूंगा, ये मेरी गारंटी है। देखो, वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई एक पैरासाइट होता है, ठीक है। ये वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई फाइलेरियासिस फैमिली से बिलोंग करता है, वॉर्म होती है, ठीक है। देखिएगा होता क्या है एक्चुअल में। ये वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई इज अ पैरासाइट विच इज ऑल्सो कॉल्ड फाइलेरियल वॉर्म। बोलना है कि वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई एक पैरासाइट होता है और इसे फाइलेरियल वॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई फाइलेरियल वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, राउंड वॉर्म जिसे कहते हैं, ठीक है। इट इज मेनली कॉज एलिफेंटाइटिस। एलिफेंटाइटिस क्या होता है, देखो, यह हाथी पावा नामक डिसीज करता है, एक बीमारी होती है जिसे हाथी पावा कहा जाता है, ठीक है। कैसी होती है ये, देखो, राउंड वॉर्म आपको इस तरह से दिखाई देगा जैसे फाइलेरियल वॉर्म, ये होता है हाथी पावा। डायग्राम में आप यहाँ बगल में देख पा रहे होंगे कि ये है ना, व्यक्ति का जो एक पैर है सब मोटा हो जाता है, सूज जाता है, हाथी के जैसा हो जाता है, मतलब स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, फाइलेरियल वॉर्म यानी कि वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई एक एलिफेंटाइटिस जिसे हाथी पावा नामक बीमारी कहते हैं, वो हाथी पावा नामक बीमारी हो जाती है। क्लियर हुआ आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। एक बार है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। तो क्लियर हुआ, वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई को फाइलेरियल वॉर्म भी कहा जाता है, और ये फाइलेरियल वॉर्म का क्या कोस करती है, एलिफेंटाइटिस। एलिफेंटाइटिस एक डिसीज़ होती है, बीमारी होती है जो हमें पैरों में होती है, हाथी जैसे पाँव हो जाते हैं, एलिफेंट जैसे पैर हो जाते हैं, मोटे एक पैर मोटा एक पैर नॉर्मल रहता है, इसे एलिफेंटाइटिस कहा जाता है, फाइलेरियल वॉर्म भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर बढ़ता हूँ मैं। सबसे देखो, नेक्स्ट चीज़ पे आती है आपकी मॉर्फोलॉजी ऑफ पैरासाइट। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि वो किस तरह का दिखाई देता है आपको, कैसा उसका शेप होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। देखो, वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई फाउंड इन टू टाइप्स। देखो, वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई होता है दो टाइप में मिलेगा। कौन कौन से, इसके दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसके दो भाग। इट इज़ वीवीपेरस। वीवीपेरस का मतलब समझ लो। देखो, दो तरह के पैरासाइट होते हैं। आपने देखा कुछ जो जीव होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडों को जन्म देते हैं, जैसे मुर्गी वगैरह अंडे देती है, और अगर मनुष्यों की बात करें तो बच्चे जन्म देते हैं। तो वीवीपेरस का मतलब होता है कि ये बच्चों को जन्म देते, अंडे नहीं देती है, ठीक है। अब मैंने बात करा था वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई दो टाइप का होता है, कौन कौन सी। एक होता है एडल्ट वॉर्म। एडल्ट वॉर्म होती है एडल्ट स्टेज इन लिम्फ नोड। देखो, एडल्ट राउंड वॉर्म जो होती है ना, आपके लिम्फ नोड में पाई जाती है। और जो होती है एक आपकी माइक्रोफाइलेरिया, जो कि लार्वल स्टेज होती है, ये हमारे ब्लड के अंदर मिलती है। जब कोई पैरासाइट इंटर करेगा तो ब्लड में जाता है, तो वो लार्वल स्टेज होती है, L3 लार्वा स्टेज, वो हमारे ब्लड के अंदर मिलती है। और एडल्ट राउंड वॉर्म यानी कि जब वो ब्लड में से विकसित हो जाती है, फिर लिम्फ नोड के द्वारा वो हमारे पैरों में चली जाती है और एक जगह इकट्ठा हो जाती है, सूज जाती है पैर, एलिफेंटाइटिस हो जाता है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम भी दिया हुआ है। मेल क्या होती है, ये रहा मेल और ये रहा फीमेल, ठीक है। ये इधर वाला मेल है, राइट वाला, लेफ्ट वाला फीमेल है, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम और ये वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई दो टाइप का होता है, एक तो एडल्ट राउंड वॉर्म, एक माइक्रोफाइलेरिया। एडल्ट राउंड वॉर्म होता है ये हमारे पैरों यानी कि लिम्फ नोड में मिलता है, माइक्रोफाइलेरिया हमारे लार्वा स्टेज होती है जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? अब देखो, एडल्ट राउंड वॉर्म क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझो। इट इज़ क्रीमी वाइट कलर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये बोलना चाहता है कि इसका जो है ना, इसका जो हल्का सफ़ेद क्रीमी कलर का होता है और धागे जैसे संरचना वाला पैरासाइट है। देखो डायग्राम, ये कैसा है, हल्का सा क्रीमी दिखाई देता है और ऐसे धागे जैसी संरचना है इसकी, ठीक है, धागे जैसी संरचना इसकी होती है।
नेक्स्ट चीज है, इट इज इट्स एंड इज फिलीफॉर्म एंड टैपरिंग, जो इसका एंड है वो लंबा और नीचे वाला हिस्सा लंबा और पतला होता है, फिलीफॉर्म विथ टैपरिंग। फिलीफॉर्म मतलब कि लंबा और टैपरिंग, टैपरिंग मतलब पतला, ठीक है, पतला और लंबा होता है। इसका एंड आपको दिखाई दे रहा है लंबा सा है और पतला सा, फिलीफॉर्म एंड टैपरिंग एंड होता है, ठीक है। मेल के जो मेल पैरासाइट होता है उसकी लेंथ कितनी होती है 4 सेंटीमीटर, और जो फीमेल पैरासाइट होता है उसकी लेंथ होती है लगभग 6 सेंटीमीटर। तो याद रखना दोनों इंपॉर्टेंट है, मेल की लेंथ 4 सेंटीमीटर, फीमेल की लेंथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कैसा दिखाई देता है, क्रीमी कलर का, वाइट कलर का, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। इट्स एंड फिलीफॉर्म है विथ टैपरिंग, फिलीफॉर्म मतलब पतला, टैपरिंग यानी कि लंबा, मतलब पतला लंबा होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर हो आपको ये चीज़, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। होस्ट, होस्ट मतलब कि ये जो पैरासाइट है ये हमें कहाँ मिलेगा। देखो डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमन होता है और इंटरमीडिएट होस्ट मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो के अंदर वो डेवलप होता है और डेफिनेटिव होस्ट हमारे अंदर वो पाया जाता है। तो याद रखिएगा डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमन है और इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है मॉस्किटो होता है। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। क्लियर हुआ आपको। अब देखो लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र या जीवन काल, उसका कैसे जीवन चक्र चलता है, कैसे जीवन काल रहता है पूरा सर्कुलर, वो कैसे कंप्लीट करता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, एक क्यूलेक्स एक मच्छर का नाम होता है, वो मॉस्किटो होता है। बाइट ह्यूमन एंड रिलीज L3 लार्वा स्टेज इन ब्लड, बोलना है कि क्यूलेक्स मॉस्किटो मनुष्य को काटते समय L3 लार्वा स्टेज को रक्त में छोड़ देती है। हमारे जो ब्लड है, हमारे ब्लड के अंदर L3 लार्वा स्टेज रिलीज हो जाती है जब कोई क्यूलेक्स एक मॉस्किटो की प्रजाति होती है मच्छर की, वो हमें काटता है तो अपने मुंह के थ्रू वो L3 लार्वा स्टेज होती, कैसे बनती है ये भी बताऊंगा, उसको हमारे अंदर छोड़ देता है। एक बार डायग्राम देख लो आप, देखो ये ह्यूमन है, ये रही क्यूलेक्स मॉस्किटो, जब इसने काटा तो इंटर द जो लार्वा होता है माइग्रेट कर जाता है, लिम्फ नोड में सेटल डाउन हो जाता है और एडल्ट वर्म में बदल जाता है, ये पूरी प्रोसेस होती है। तो जैसे सबसे पहले काटा तो L3 लार्वा स्टेज सबसे पहले हमारे ब्लड के अंदर आ गई। क्लियर हुआ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखो L3 लार्वा स्टेज कंप्लीट हुई, अब L3 लार्वा स्टेज रिप्रोड्यूस मेल एंड फीमेल। देखो L3 जो लार्वा स्टेज हमारे ब्लड के अंदर जो पैरासाइट आया था वो मेल और फीमेल में बदल जाता है, L3 लार्वा स्टेज जो कि रक्त में मेल और फीमेल में बदल जाता है, ये आया, ये मेल बन गया और फीमेल बन गया। जो फीमेल है वो ब्लड में ही रहेगी और मेल कहाँ चलाएगा, लिम्फ नोड में। जो फीमेल होती है वो हमेशा हमारे ब्लड के अंदर होती है और बच्चों को जन्म देती रहती है और वो हमारे पैरों में जाके इकट्ठा होते रहते हैं और पैर ऐसे एलिफेंटाइटिस जैसे फूल जाते हैं, हाइती जैसे फूल जाते हैं, ठीक है। L3 लार्वा स्टेज नेक्स्ट आती है नंबर 3 पे, मेल वॉर्म इंटर इनटू लिम्फ नोड एंड डेवलप देयर। देखो वही बोला है मैंने कि जो मेल वॉर्म होती है वो हमारे लिम्फ नोड में जाके चली जाती है और वहीं पे वो डेवलपमेंट उसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो फीमेल माइक्रोफाइलेरिया जो था, फीमेल को हमने माइक्रोफाइलेरिया बोला था, डेवलप्ड इन ब्लड एंड प्रोड्यूस न्यू पैरासाइट, ये हमारे ब्लड में ही रहती है और नए पैरासाइट्स को कंटिन्यू बनाती है। फीमेल माइक्रोफाइलेरिया रक्त में रहता है और ये अपने जैसे दूसरे पैरासाइट को बनाते हैं, अपने फेस टू फेस कॉपी वो कंटिन्यूसली करता रहता है, ठीक है। ये देख लो डायग्राम में एक बार आप यहां पे, ठीक है, ये पहले मॉस्किटो ने बाइट करा, कौन सी मॉस्किटो थी, क्यूलेक्स मॉस्किटो थी, उसने बाइट करा तो ये रिप्रोड्यूस हो गया ब्लड में मेल और फीमेल में, फीमेल हमारे ब्लड में ही रहेगी और जो मेल है वो चला जाएगा लिम्फ नोड में, ठीक है। फिर ये क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखो आगे बताता हूँ। अब व्हेन अगेन मॉस्किटो बाइट, अब जब जो कोई इंसान को इन्फेक्शन हो गया, अब उसको अगेन फिर कोई स्वस्थ एक मच्छर काटेगा जिसे क्यूलेक्स मॉस्किटो कहेंगे, वो काटेगा बाइट करेगा इन्फेक्टेड पर्सन को, देन टेक अ माइक्रोफाइलेरिया, तो उसके शरीर में से वो माइक्रोफाइलेरिया को खींच लेगा,
ठीक है, जब वो मॉस्किटो को बाइट कर बीमार व्यक्ति को काटती है तो वो माइक्रोफाइलेरिया को अपने अंदर ले लेती है, वो अपने अंदर एंटर कर लेती है। फिर क्या होता है, इनसाइड ऑफ मॉस्किटो माइक्रोफाइलेरिया कन्वर्ट इनटू L1 L2 L3 लार्वा स्टेज। बोलना चाहता है माइक्रोफाइलेरिया मॉस्किटो के अंदर जाकर L1 L2 L3 लार्वा स्टेज होती है। देखो डायग्राम, ये जैसे मॉस्किटो ने हमें इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करा, इसके अंदर आ गया, ये L1 लार्वा स्टेज, फिर वो डेवलप होगा तो L2, फिर और ज़्यादा डेवलप होगा तो L3 लार्वा स्टेज, और फिर से क्या होगा, जब वापस ये इन्फेक्टेड मच्छर किसी ह्यूमन को काटेगा तो L4 लार्वा स्टेज, यानी कि वो L3 लार्वा स्टेज ह्यूमन के अंदर छोड़ देगा और वहाँ पर जाके वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, फिर से वो साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। एक बार साइकिल रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले क्यूलेक्स मॉस्किटो आया, हमें काटा, हमें जब उसने काटा तो उसके माउथ से L3 लार्वा स्टेज हमारे ब्लड में छोड़ दिया, फिर ब्लड में वो मेल और फीमेल में बदल गया, मेल हमारे ब्लड में रहेगा, जो सॉरी फीमेल हमारे ब्लड में रहती है और मेल हमारे लिम्फ नोड में चले जाता है, लिम्फ नोड में जाता है, और जब हमारे फिर से जब हमको फिर से कोई स्वस्थ मच्छर क्यूलेक्स मॉस्किटो काटता है तो वो हमारे अंदर से ब्लड ले लेता है, ब्लड लेता है तो हमारे ब्लड में क्या उपस्थित है, हमारे ब्लड में सिंपल बात है कि जो माइक्रोफाइलेरिया उपस्थित है, उस माइक्रोफाइलेरिया को अंदर लेता है, फिर वो L1 लार्वा स्टेज, L2 और L3 लार्वा स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखो लैब डायग्नोसिस, सिंपल बात है कि स्मियर प्रिपरेशन, वो हमारे ब्लड में है तो हम उसको स्मियर बना के देख सकते हैं। बाय प्रिपरेशन ऑफ स्मियर माइक्रोफाइलेरिया पैरासाइट कैन डायग्नोज अंडर माइक्रोस्कोप, उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर डायग्नोस कर सकते हैं। माइक्रोफाइलेरिया पैरासाइट को स्मेयर बनाकर माइक्रोस्कोप के अंदर इजीली देखा जा सकता है। ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ स्मियर आर प्रिपेयर, दो प्रकार की स्मियर प्रिपेयर होती है, एक कौन सी, एक होती है आपकी थिन स्मियर और एक होती है आपकी थिक स्मियर। ठीक है, एक पतली स्मियर एक मोटी स्मियर, देखो थिन स्मियर और थिक स्मियर, एक पतली है हल्की और एक मोटी स्मियर होती है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एक इंपॉर्टेंट है लैब डायग्नोसिस। क्लियर हुआ, अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, कुछ कंसंट्रेशन मेथड होती है, व्हेन माइक्रोफाइलेरिया कंसंट्रेशन इज लो, क्या होता है कि जब माइक्रोफाइलेरिया की जो क्वांटिटी है, संख्या है, वो कम हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। कंसंट्रेशन क्या होती है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। नोच कंसंट्रेशन टेक्निक होती है, और न्यूक्लियो जो एक इंपॉर्टेंट मेथड है, न्यूक्लियोपोर फिल्ट्रेशन। ठीक है, न्यूक्लियोपोर फिल्ट्रेशन एक मेथड होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों मेथड को लगाया जाता है। ठीक है, बायोप्सी भी करते हैं, अगर मान लीजिए पैर में है तो हम बायोप्सी का सैंपल ले लेंगे, यूज़ करके बायोप्सी के थ्रू भी इस प्रक्रिया के द्वारा इस्तेमाल विकसित राउंड वर्म को बायोप्सी के थ्रू हम डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।